नमस्कार मित्रों, टेक हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं अंकुर सथवारा। और क्या आप एक नया लैपटॉप बाय करने की सोच रहे हैं? और आप सोच रहे हैं नया लैपटॉप बाय करने की, तो हमने एक वीडियो बनाया है, यहां पे आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं कि कौन सा लैपटॉप आपके बजट के अनुसार, यूजेस के अनुसार आप बाय कर सकते हैं। और उसमें हमने काफी सारे डॉस के लैपटॉप सजेस्ट किए और आपकी कमेंट्स भी हमने देखी कि काफी लोग पूछ रहे हैं कि ये डीओएस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, डॉस क्या है और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से ये कैसे अलग है और क्या हम वो बाय कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको वही एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ये डीओएस ऑपरेटिंग सिस्टम वाले लैपटॉप क्या होते हैं और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से वो सस्ते क्यों होते हैं। तो चलिए देखते हैं। DOS का फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये छोटी सी ऑपरेटिंग सिस्टम है जिससे आपको कमांड देकर सारी मतलब कि एक्शन या फिर रिएक्शन करने होते हैं। आपको कुछ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं देखने को मिलेगा, पूरा कमांड आप लिख सकते हैं, वैसा ही उसका यूजर इंटरफेस होता है। यानी कि आपको कुछ लिखना होता है, उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी एक्शन लेगा। ये एक सिंगल यूजर इंटरफेस का ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्लस एक मल्टीटास्किंग नहीं है, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कि विंडोज में आप देख सकते हैं कि वो पूरा ग्राफिकल होता है, यूज करने में काफी यूजर फ्रेंडली भी होता है। यानी कि अगर किसी बंदे को कंप्यूटर का नॉलेज ना हो, फिर भी वो छोटे बहुत टास्क तो कर ही सकता है, जिसकी मूवी ओपन करना हो, वो सारे टास्क आप डीओएस ऑपरेटिंग सिस्टम में करने जाए तो बहुत सारी आपको कोडिंग करने पड़ेगी। अब बात करते हैं लिनक्स की। तो लिनक्स भी एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाली ऑपरेटिंग सिस्टम है, मगर वो फोकस की गई है कोडिंग वालों के लिए, या फिर जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, एंड्रॉयड पूरा डेवलप करते हैं, उनके लिए फोकस की गई है। वो मतलब कि मूवीज देखने के लिए या फिर गेम्स खेलने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो हम में से काफी लोग, यानी कि 80-85% लोग विंडोज यूज करते हैं। और जब भी विंडोज का मतलब कि कोई भी लैपटॉप बाय करने की बात होती है, तो आपको बहुत ही वैरायटीज लैपटॉप मिल जाते हैं। और आपने प्राइसिंग देखी होगी, तो वहां पे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है कि डॉस और लिनक्स के जो लैपटॉप्स होते हैं वो 8-10 हज़ार रुपये तक सस्ते होते हैं। यानी कि वहाँ पे आपको सिर्फ प्री लोडेड विंडोज मिलता है दूसरे लैपटॉप में, और उसकी प्राइस आपको 8,000 या फिर 10,000 रुपये एक्स्ट्रा देनी पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे HP के सेम कॉन्फ़िगरेशन वाले दो लैपटॉप देख सकते हैं, एक आपको 24,000 में मिलेगा और दूसरा आपको मिलेगा 33,000 में। तो अब बात करते हैं कि आपको कौन सा लैपटॉप बाय करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि अगर आपको नॉलेज है कि आपको कंप्यूटर फॉर्मेट कैसा करना होता है, एक्चुअली हमने वीडियोस भी बनाए हैं, अगर आप ऐसी झंझट में नहीं पढ़ना चाहते और आप पहली बार लैपटॉप बाय कर रहे हैं, आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है टेक्निकल, तो मैं कहूंगा कि आप विंडोज ले सकते हैं। मगर फिर भी मैं सजेस्ट तो यही करूंगा कि आप डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम वाला या फिर लिनक्स वाला लैपटॉप लीजिए, क्योंकि उसमें आपको पैसे कम देने पड़ते हैं और आपको फॉर्मेटिंग आती है। यानी कि घर पे आके आप उसमें XP, विंडोज 7, विंडोज 8, 8.1 या फिर 10 कोई भी मनचाही ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। और आप जानना चाहते हैं कि फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है, प्लस ISO से लेकर बूटिंग ड्राइव ये सारी चीज़ें कैसे होती है, तो हमने पूरे ट्यूटोरियल्स बनाए हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप वो सारी प्लेलिस्ट में वीडियोस देख सकते हैं। और अब बात करते हैं कि आपने एक डॉस या फिर लिनक्स वाला एक कंप्यूटर या फिर लैपटॉप ले लिया है, तो उसके बाद आपको क्या करना है। सिंपली आपको उसकी बूटेबल डिस्क बनानी है या फिर पेन ड्राइव बनानी, या फिर आप विंडोज भी बाय कर सकते हैं और उसे फॉर्मेट कर सकते हैं और फुल विंडोज मशीन उसे आप बना सकते। तो इस तरह से डॉस ऑपरेटिंग लैपटॉप्स का पूरा कंसेप्ट है, वो आपको प्राइसिंग में भी सस्ते रहेंगे और उसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आएगी। तो मैं कहूँगा कि डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम वाले लैपटॉप्स हमने, आप लिस्ट में भी देख सकते हैं कि मैक्सिमम हमने डीओएस ऑपरेटिंग सिस्टम वाले लैपटॉप ज़्यादा से ज़्यादा शामिल किए हैं। तो एट लास्ट मुझे एक क्वेश्चन है कि अब इस इंफॉर्मेशन को जानने के बाद आप कौन सा लैपटॉप बाय करना चाहेंगे। काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे कि विंडोज़ का सोच भी रहे होंगे, उन्होंने शायद उनका डिसीजन चेंज भी कर दिया होगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बिल्कुल बता दीजिएगा। तो होप कि ये छोटी सी माहिती आपको पसंद आई होगी और आपको हेल्पफुल रही होगी लैपटॉप बाइंग गाइड में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और फ्यूचर में ऐसे ही नए ट्यूटोरियल्स या फिर एक्साइटिंग माहिती की तो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही यूजफुल वीडियो है। और मैं अंकुर सथवारा आपको मिलता हूँ और भी नए एक्साइटिंग वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ रहे।